सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो द पंजाब टीवी। तो मैं हाँ जज सिंह चाहल। जिथे एक पासे दिल्ली के बार्डर से पिछले पौने साल तो किसानों ने केंद्र सरकार के नक विच दम किया होया है, उधर हुण दूजे पासे पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ भी पंजाब दे विच किसानों के वलों पक्का मोर्चा गढ़ दिता गया है। पंजाब दे जलंधर दे रामा मंडी धनोवाली फाटक दे कोल नैशनल हाईवे ते किसानां दे वल्लों पक्का मोर्चा शुरू कर दिता गया है अते इस दे पिछे किसानां दे वल्लों गन्ने दी कीमत नूं मुद्दा बनाया गया है। 15 अगस्त नूं पंजाब दीआं 32 किसान जथेबंदियां दे वल्लों खटकड़ कलां विखे एक मीटिंग कीती गई सी, जिस दे विच पंजाब सरकार नूं 20 अगस्त तक दा अल्टीमेटम दे दिता गया सी। इस वेले पंजाब दे विच गन्ने दा भा 310 रुपए प्रति क्विंटल है। किसानों ने मांग की थी कि घट्टो घट 400 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने का भाव पंजाब दे विच कीता जाना चाहिए है। किसानों का कहना सी कि पिछले 6 साल तो पंजाब सरकार दे वल्लों गन्ने दे भाव दे विच इजाफा नहीं किया गया। जेकर 20 अगस्त तक गन्ने का भाव 400 रुपए प्रति क्विंटल ना किया गया तो फिर पक्का मोर्चा पंजाब दे विच भी शुरू कर दिता जाएगा। 19 अगस्त को कैप्टन अमरिंदर सिंह वल्लों गन्ने दे भा दे विच वादा कर दिता गया, पर जिथे एक पासे 90 रुपए वादा करन दी मंग किसानां दे वल्लों कीती गई सी, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 19 अगस्त नूं भाव 20 अगस्त जिहड़ा अल्टीमेटम सी उस तों एक दिन पहलां 19 अगस्त नूं 15 रुपए गन्ने दे भाव दे विच वादा कर दिता। ये वादा करन दा ऐलान करदे समय कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने फेसबुक पेज ते एक पोस्ट पा के इस संबंधी खुशी भी जाहिर की। उन्होंने लिखिया, गन्ना कंट्रोल बोर्ड नाल मीटिंग दौरान असी गन्ने लई एसएपी विच वादे नूं मंजूरी दिंदे होए 15 रुपए प्रति क्विंटल कर दिता है। इस दे नाल ही असी पंजाब विच गन्ने दा उत्पादन वधाउण अते खंड दी रिकवरी विच सुधार लई सहकारिता मंत्री दे अधीन गन्ना विकास समूह स्थापित करन दा भी फैसला कीता है। यह जानकारी दे के कैप्टन अमरिंदर सिंह तां खुश होए, पर जिन्हां नूं खुश होना चाहीदा सी ओह बिल्कुल खुश ना होए, ओह सगों होर ज्यादा गुस्से दे विच आउंदे दिखाई देंदे ने। हुण जलंधर दे रामा मंडी दे विच नैशनल हाईवे दे उपर किसानां दे वल्लों अपना धरना शुरू कर दिता गया है। जदों इस मौके किसान आगुआं तों पुछिया गया कि पंजाब सरकार ने तां गन्ने दा रेट 15 रुपए वधा दिता है, तुसीं फिर भी धरना ला रहे हो, तां किन्ने गुस्से दे विच ने इह किसान, उन्हां दा बयान तुहानूं सुणाउणा बहुत जरूरी है। जिहड़ा पिछले साल दी फाइल जिहड़ी साडी सीएम दे टेबल ते आ, ते पिछले साल दा सानू इन्हां ने कख नहीं दिता, ते अज 20 तरीक नूं असीं धरना लिखा जे इहदे वास्ते भी मैं 20 दिन पहलों मंग पत्र दिता, ते अज जदों 19 तरीक हो गई एक दिन धरने नूं रह गया, ते 15 रुपये दे के सानू मजाक कीता, मजाक दी असीं बर्दाश्त, इह जिहड़ी पंजाब सरकार इहदा होर रोस वधूगा, इहदा मजाक बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करांगे। अज तगड़े हो के सारे माझे वाले ते दुआबे वाले जिहड़े रोड इंटरनेशनल रोड जिहड़ा इह बंद करनगे। जेकर किसानों के वलों पंजाब सरकार दे अगे कोई मंग रखी गई है, सरकार ने मंग नहीं मन्नी है, किसानों ने धरना ला दिता है, तो फिर विरोधी पार्टियां पंजाब सरकार नूं कांग्रेस पार्टी नूं किवें बख सकदियां ने। आम आदमी पार्टी के किसान विंग के प्रधान कोटकपुरा तो विधायक कुलतार सिंह संधवा का कहना है कि 15 रुपए क्यों, 150 रुपया वधा देना सी, तुसीं किहड़ा देना है। उन्होंने सगों होर ही पंजाब सरकार से सवाल खड़े कर दिते ने। 51,000 करोड़ रुपया बकाया है कैप्टन अमरिंदर सिंह दे वल, यह दावा इत्थे कुलतार सिंह संधवा दे वल्लों कर दिता गया है। तुहानूं उन्हां दा बयान भी सुना दिंदे आ। कैप्टन साहब कहिंदे भी 15 रुपए क्विंटल गन्ने दा भाव वधाता, जदों देना ही भावें 150 रुपए क्विंटल वधा दो, देना ही नहीं। 51,000 करोड़ रुपया सहकारी बैंकां दा जिहड़ा गन्ने दा बकाया बणदा पंजाब सरकार दब्बी बैठी है, क्यों नहीं तुसीं जारी करदे हो? गन्ना विकास बोर्ड दे विच तुसीं सियासी लोगों को पा के जिहड़ी खंड माफिया जिहड़ी शूगर माफिया उहदे लोगों को पा के तुसीं इहनूं प्राइवेट हत्थां 'च ढकणा चाहुंदे हो, कारपोरेटां दे हत्थां 'च ढकणा चाहुंदे हो, क्योंकि फायदे वाला काम है। पंजाब सरकार जी, कैप्टन साहब, सिद्धू साहब, पंजाब के लोग सब जानते हैं जाखड़ के भतीजे नूं फार्मर कमीशन का चेयरमैन किया, उहने दस्से
जेकर विरोधी पार्टियां दे वल्लों अते किसानां दे वल्लों पंजाब दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं लगभग किसान विरोधी दस्या जा रहा है, तां उधर दूजे पासे अज आनंदपुर साहिब विखे एक वड्डा समागम करके कैप्टन अमरिंदर सिंह दे वल्लों पंजाब दे बेजमीने काश्तकारां दा कर्जा मुआफ करन दी शुरुआत कर दित्ती गई है। अज उन्हां ने इस प्रोग्राम दे विच जिन्हां दे कोल जमीन नहीं है उन्हां किसानां दा 526 करोड़ रुपए दा कर्जा मुआफ कीता है। अते इत्थे इस मौके बोलदिया कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दावा किया कि वह किसानों के नाल ने तुहानू वह भी सुना दिने। अज साडे लोग दिल्ली के बॉर्डर च बैठे ने, मेरा दिल उन्हां नाल है, असी सारे उन्हां नाल है, असी सारा पंजाब उन्हां दे नाल खड़ा है। अज मैं उन्हां नू मिलदा रहना, असी उन्हां दे नाल, मैं गवर्नमेंट भी हुण पिछले हफ्ते गया सी, प्राइम मिनिस्टर नूं दोबारा किया, होम मिनिस्टर नूं किया कि इहदा हल कढ़ना पऊगा। कानून कोई इहो जी चीज़ नहीं जिहड़ी आपां बदल नहीं सकदे। कॉन्स्टिट्यूशन अपना 127 बार आपां बदल चुके हैं, पार्लीमेंट तां एक बार फिर नहीं बदल सकते आपां। अगर वह किसान बैठे ने इन्नी देर तो, और पूरा हिंदुस्तान का किसान अज मचिया होया, तो तुम इन्ना भी नहीं कर सकते आप कॉन्स्टिट्यूशन दे, आप दोबारा पार्लीमेंट लियाओ, उत्थे कमेटी बना लो, किसानों भी पा लो, उन्होंने सुनो गल कुछ सुनिया ने, और संविधान बदल के 3 कानून दोबारा बना दो। क्यों तुम प्रेस्टीज से बैठे हो इस गल से? भावें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह छाती ठोक के यह दावा कर रहे हैं कि मैं पूरी तरह किसानों के नाल हाँ, पर सच यह है कि इस वेले पंजाब दे विच पंजाब दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार के खिलाफ किसानों के वलों मोर्चा खोल दिता गया है। जेकर गल करिए गन्ना काश्तकारां दी, तां ज़्यादातर गन्ने की काश्त पंजाब दे माझा अते दुआबा एरिए दे विच हुंदी है। यह जिहड़ा अल्टीमेटम भी पंजाब सरकार नूं दिता गया सी, उह दुआबा दीआं किसान जथेबंदियां दे वल्लों दिता गया सी, पर इस वेले पंजाब दीआं सारीआं ही किसान जथेबंदियां दिल्ली विच चल रहे अंदोलन दे करके एकजुट होईआं ने। इस करके दुआबे दे किसानां दा साथ देण दा ऐलान पंजाब दीआं सारीआं ही किसान जथेबंदियां दे वल्लों कर दिता गया। इसे करके ही इस धरने दे विच पंजाब दे सारे वड्डे किसान आगू पहुंचे ने, अते पंजाब सरकार केंद्र सरकार दे खिलाफ रज के भड़ास इस धरने दे विच किसानां दे वल्लों कढ़ी जा रही है। हुण जेकर नैशनल हाईवे जिहड़ा कि दिल्ली तो अमृतसर तक जाता है उस नूं किसानां दे वल्लों जाम कर दिता गया है, तां पूरे पंजाब दे प्रशासन नूं हुण हत्थां पैरां दी पैंदी दिखाई दिंदी है। आम लोगों नूं भी काफ़ी ज़्यादा खज्जल खुआरी का सामना करना पै रहा है। जिहड़े लोग हुण चंडीगढ़ दे वल्लों अमृतसर जां फिर जलंधर जा रहे ने, उन्हां नूं रूट बदल के जाना पै रहा है। जिहड़े अमृतसर तो चंडीगढ़ वल आउंदे ने, उन्हां नूं भी अपने रूट बदलने पै रहे ने। पिंडां दे विच दी हो के उन्हां नूं अपनी डेस्टिनेशन ते पहुंचना पै रहा है, अते लोकल प्रशासन दे भी हाथ पैर फुल दे दिखाई दिंदे ने। इंज जापदा है कि जेकर पंजाब सरकार दे वल्लों छेती तो छेती किसानां दीआं मंगां ना मनियां गईआं, तां पंजाब सरकार दे लई इह धरना गले दी हड्डी बन सकदा है, क्योंकि किसान जेकर केंद्र सरकार नाल मथा लाई बैठे ने, उन्हां दे कहे ते दिल्ली बार्डरां नूं खाली नहीं कीता जा रहा, तां फिर पंजाब सरकार दे अगे इह किसान बिना मंगां मनवाया किवें झुक जाणगे, इदां बिल्कुल नहीं जापदा। पंजाब दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी कसूती स्थिति दे विच फसे हुए ने, क्योंकि केंद्र सरकार दे खिलाफ दिल्ली दे बार्डरां ते अंदोलन चल रहा है। पंजाब दे विच चोणां ने, कैप्टन अमरिंदर सिंह दावा कर रहे ने कि मैं किसान पक्षी हाँ, मैं किसानां दीआं मंगां मनदा हाँ, अते जेकर हुण इत्थे बल प्रयोग पंजाब सरकार दे वल्लों पुलिस दे वल्लों कीता जांदा है, तां किसान विरोधी होण दा टैग कैप्टन अमरिंदर सिंह ते भी लग सकदा है। इस करके एक सवाल हुण असीं तुहाडे कोलों पुछ लैने आ, इस धरने दे बारे तुहानू की लगदा है कि हुण पंजाब सरकार अजिहा की करे कि इह धरना चुकिया जावे अते आम लोकां नूं भी किसे परेशानी दा सामना ना करना पवे अते किसानां नूं भी संतुष्ट कर दिता जावे? तुहानू की लगदा है? जो भी तुहाडी राय है कमेंट करके अपनी राय जरूर दिओ। जेकर इसे तरह ही हर खबर नूं निरपक्षता नाल वेखदे रहना चाहुंदे हो, तां यूट्यूब ते द पंजाब टीवी दे चैनल नूं सबसक्राइब कर लो, बैल वाला बटन जरूर दबा लेना, अते जेकर इह खबर तुसीं फेसबुक ते देख रहे हो तां फेसबुक ते द पंजाब टीवी दा पेज लाइक कर लो। मैं जज सिंह चाहल अगली वार फिर हाजर होवांगा, तुसीं देखदे रहो द पंजाब टीवी, हर खबर दा सच।